नंबर फाइव, ओम शांति। प्रॉब्लम है, ओम शांति क्लब हैज 500 मेंबर्स विद एनुअल फी ऑफ रुपीज 1000 पर मेंबर। क्लब के 500 मेंबर है एंड एनुअल फीस रुपीज 1000 पर मेंबर। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अकाउंटेंट नोटिस दैट 40 मेंबर्स हैव नॉट पेड एनुअल फी एंड 70 मेंबर्स हैड पेड फी इन एडवांस। हेल्प द अकाउंटेंट टू कंप्यूट कैश रिसीट ऑफ एनुअल फी फॉर द ईयर। कैश रिसीट कितनी मिली आपको फाइंड आउट करना है, बस इतना ही तो है, दो मार्क के लिए था। क्या कहे, ओम शांति क्लब हैज 500 मेंबर्स विद एनुअल फी ऑफ 1000 पर मेंबर। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अकाउंटेंट नोटिस दैट 40 मेंबर्स हैव नॉट पेड एनुअल फी एंड 70 मेंबर्स हैड पेड फी इन एडवांस। 40 ने पेड नहीं किए और 70 ने अगले साल की भी दे दी है। तो एक काम कर दीजिए ना, ये 1470 सेपरेट कर दीजिए, पहले इनको अलग कर दीजिए। मतलब बाकी जो मेंबर्स बचे कितने, 390, उन्होंने इसी साल के पैसे दिए। सो क्या कर लेंगे हम लोग, दैट 390 इंटू 1000, इन्होंने इसी साल के दिए, सो 390 इंटू 1000 दैट इज 390,000। एंड 70 मेंबर्स पेड फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, मतलब उन्होंने इस साल की भी दिए, सो दैट 70 इंटू 2000 1,40,000। सो 390 प्लस 1,40,000 5,30,000 इज द कैश रिसीट। गॉट इट? सो बनाइए इसको, स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट। फॉर करंट ईयर सो दिस इज, देखिए 500 मेंबर है, उसमें से 40 ने नहीं दिए और 70 मेंबर्स ने तो अगले साल के भी दिए, तो इनको हम अलग से कंसिडर कर लेंगे ताकि करंट ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए कितने मेंबर्स ने दिए। सो 390 मेंबर्स इंटू रुपीज 1000, 390,000। नंबर टू, फॉर करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, इस साल के भी अगले साल के भी। तो ये जो 70 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंबर्स है, दिस 70 मेंबर्स इंटू रुपीज 2000, ठीक है, सो आई कैन से इंटू 1000 इंटू टू, इस साल के प्लस अगले साल के, इंटू 2000 कर दीजिए, टोटल को दो से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर विल रिमेन सेम, रुपीज 1,40,000। सो ये टोटल इज 5,30,000, देयरफॉर टोटल रिसीट। गॉट इट? ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एनपीओ सिंगल एंट्री, दैट इज नथिंग बट जैकपॉट। नंबर सिक्स, नंबर सिक्स क्या दिया है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एज फॉलोज। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011, 12,000। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012, 6,15,000। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013, 18,000। टोटल 6,45,000। There are 500 members and annual subscription is rupees 1,500 per member. On 31st March 12, a sum of rupees 15,000 was still in arrear for subscription for the year ended 31st March 11. क्या दिया है? On 31st March 12, देखिए हमारा current financial year जो चल रहा है ना, it is 11-12 है ना? और क्या दिया है? On 31st March 12, a sum of rupees 15,000 was still in arrear for subscription for the year ended 31st March 11. So 31st March 11 के लिए आज भी, 31st March 12 को आज भी, अभी भी कितने आउटस्टैंडिंग है? 15,000 आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब करंट ईयर में आपको 31st March 11 के लिए मिले कितने ऑलरेडी?
How much you already received? 12,000. And in spite of receiving that 12,000, still outstanding is 15,000. वो 12,000 मिलने के बाद भी 15,000 outstanding है. इसका मतलब opening outstanding कितना है फिर? 27,000. Opening is 27,000. आगे. Ascertain the amount of subscription that will appear on the credit side of income and expenditure account for the year ended 31st March 12. Also show how the items would appear in balance sheet as on 31st March 11 and balance sheet as on 31st March 12. So, फिर से आपको income expenditure and opening closing balance sheet बनाना है, ठीक है? वैसे club के members कितने हैं? 500. और subscription कितना है? 1000. 500. इससे तो एक बात बड़ी क्लियर है, 500 मेंबर्स हैं, एवरीवन सपोज टू पे 1500, सो 500 इनटू 1500, 750,000 इज माय इनकम, वेदर रिसीव्ड, रिसीवेबल और रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर. मेरा फाइनल इनकम इज 750,000 है एक्रुअल बेसिस पर. आर यू गेटिंग? चलो बनाते इसको, समझ में आएगा फिर से. November 12, again this is 5 marks problem. Income and expenditure account. March 31st. Balance sheet 31st March 12. Balance sheet 31st March 11. तो इनकम में बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट आएगा आपका बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव, दो ऐड दो लेस, ऐड होगा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर एडवांस प्रीवियस ईयर, लेस होता है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर एंड एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर. ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट लिखा जाएगा. नाउ क्या दिया आपको? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 12 सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एज फॉलोज. फॉर्मेट लिखा है सबने, तो उसमें 31st मार्च 11, 31st मार्च 12, 31st मार्च 13 सबको मिलाकर आपको टोटल करके दिए 6,45,000. सो रिसीव्ड लिखेंगे आप 6,45,000. 6,45,000. इसमें फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 11 के 12,000 है, सो प्रीवियस ईयर के 12,000 है, तो ये होगा आपका लेस क्योंकि ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था. सो आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर दिस 12,000 लेस होगा. और ये पिछले साल के लिए मिला मतलब डेफिनेटली पिछले साल के लिए ये आउटस्टैंडिंग. सो हियर इन द ओपनिंग बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आफ्टर रिसीविंग दिस 12,000 उसमें एक स्टेटमेंट दिया है आगे चल के सेकेंड लाइन आफ्टर दैट इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन 31st मार्च 12 अ सम ऑफ रुपीज 15,000 वॉज स्टिल इन एरियर फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 11. सो इस साल आपको ये 12,000 मिलने के बाद भी आज भी 31st मार्च 12 को 31st मार्च 11 के लिए आज भी 15,000 आर स्टिल इन एरियर्स. 12,000 मिलने के बाद भी 15,000 आउटस्टैंडिंग है. इसी का मतलब आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है फिर? 27,000. क्योंकि 12 मिलने के बाद भी 15 बाकी है. इसी का मतलब इन द ओपनिंग बैलेंस शीट आई कैन से 12,000 प्लस 15,000 27,000. 12 मिल गए, 15 जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है वो मेरा
क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइव असेट में आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10, 11, 15,000. Got it? Or you can say 31st March 11 or 10, 11, one at the same. Then, जो टोटल रिसीट है उसमें फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 13 के लिए 18,000 है. 31st March 13 के लिए मिला मतलब वो अगले साल के लिए मिला आपको, वो हो जाएगा आपका लेस, दैट इज एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 18,000. और ये आएगा आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट एडवांस सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर 18,000. Then there are 500 members and annual subscription is rupees 1500 per member. 500 members hai and every member is paying annual subscription of 1500. Matlab 500 into 1500. Itna mujhko milna chahiye. That is my income. Theek hai, milna chahiye. Mila nahi mila, that is a different issue. But itne mere 500 agar member hai, to every member will pay 1500. So my subscription income is how much? 7,50,000. इसलिए इस प्रॉब्लम में आपको 7,50,000 ये जो आपका इनकम है, दिस इज वेरी मच क्लियर. फाइनल फिगर इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम की फाइनल फिगर इज 7,50,000. ये आपको मिले ना मिले या फिर पिछले साल मिला होगा, इट इज सेपरेट इशू. 500 मेंबर्स इनटू 1500, माय फाइनल सब्सक्रिप्शन इनकम शुड बी 7,50,000. गॉट इट? तो जहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स और उसका एनुअल या मंथली सब्सक्रिप्शन दिया जाए, तो ध्यान रखिए उस केस में आपको फाइनल इनकम की फिगर मिलेगी. हाँ, अब आपको यहां पर रिवर्स में जाके कुछ फिगर्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे एज अ बैलेंसिंग फिगर करके. सो हियर दिस 7,50,000 इज 12,000 and 18,000. मतलब यहां पर कोई एक फिगर है उसमें से 12 and 18 लेस करने के बाद 750 है ना, मतलब यहां पर कितना होगा 7,80,000. And this 7,80,000 is the addition of these three. अब इस addition of three में 6,45,000, मतलब difference कितना है 1,35,000. अब ये जो 1,35,000 है, ये या तो आपका इस साल का outstanding है या तो फिर previous year advance मिला होगा. अभी दो में से कोई एक है. अब इसमें हमारे पास दो variables find out करने, लेकिन उसके लिए ऐसा कुछ क्लू दिया नहीं है प्रॉब्लम के अंदर कि इसमें एडवांस ऑफ द प्रीवियस ईयर कितना है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, ऐसा दिया नहीं है. इसलिए इस केस में फिर आपको अजम्पशन करना पड़ेगा, आइदर ट्रीट द डिफरेंस 1,35,000 एज ऑलरेडी एडवांस इन प्रीवियस ईयर और ट्रीट इट एज अ आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर. या तो इस साल का अभी भी रिसीवेबल है 1,35,000, या फिर ये 1,30,000 ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आपको एडवांस में मिला हुआ है. दो में से कोई एक अजम्पशन आपको करना पड़ेगा, बोथ आर वैलिड. तो दो में से कौन सा लिया जाएगा फिर? हाँ देखिए, इतने सारे लोग एक साथ में एडवांस, मतलब रीजनेबल बेसिस पर, हो नहीं सकता ऐसा नहीं है, लेकिन रीजनेबल बेसिस पर यह मानना ज्यादा ठीक रहेगा कि दैट सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग. जनरली लोगों का आउटस्टैंडिंग ज्यादा रहता है, एडवांस नहीं होता कभी भी. क्लास की फीस ही देख लीजिए, ओके. एनपीओ की हालत यही रहती है बच्चों, आउटस्टैंडिंग ज्यादा रहता है, क्या बताऊं आपको. सो दिस इज एडवांस इज निल एंड दिस डिफरेंस इज 1,35,000. और ये जो आउटस्टैंडिंग है ये आएगा हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड 11-12 का 1,35,000. बैलेंस लेते हैं आप इसको इनर में लेके टोटल आउटर में भी दिखा सकते हैं या फिर दोनों आउटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लियर? दिस वॉज फॉर 5 मार्क्स, सो सिंपल इशू. बस सर एग्जाम में ऐसे 5-7 प्रॉब्लम आ जाए, पहले 4-4 मार्क को दो, हाँ 2-4 चाहिए आ जाए, 2-3 सिंगल एंट्री आ जाए, 2-4 एवरेज ड्यू डेट, 1-2 सेल्फ बैलेंसिंग ऑप्शन के साथ पेपर लिख के आएंगे सर. देखिए तो होता है ना, 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 यू हैव टू सॉल्व इन टोटल 6, तो आप उसके अंदर लिख के आएंगे चेक एनी 6.
சரி, நெக்ஸ்ட் நம்பர் 7.